बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6,000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5ों एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते, देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे, लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का जिस नेता का हवा हुआ सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे।